नेता समझता है वो ज्यादा सयाना है, अभिनेता समझता है वो ज्यादा सयाना है। नेता और अभिनेता दोनों का फैसला करने वाली जनता समझती है कि वो ज्यादा सयानी है। आजमगढ़ से सपा के धर्मेंद्र यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ की दोस्त आम्रपाली दुबे कहती हैं कि जनता उनके साथ फोटो खिंचा रही है तो वो वोट उन्हें ही देगी, सेल्फी से वोट की सेफ्टी होगी। मैं जहाँ पर भी जा रही हूँ वहाँ की औरतों से जब मिल रही हूँ तो सारी महिलाएं सिर्फ ऐसे ऐसे सर पे हाथ रख रख के आशीर्वाद दे रही हैं और कह रही हैं कि इस बार वो खुद अपने मुंह से कह रही हैं कि इस बार तो वोट निरहुआ जी को ही जाएगा, उन्होंने कोरोना काल में जितनी हमारी मदद की है उन्हीं को वोट जाएगा। ये सब औरतें सामने से कह रही हैं, सेल्फी खिंचाते खिंचाते लड़कियां कह रही हैं कि हमारा वोट तो फिक्स है, हमारा वोट तो फिक्स है, हमारा वोट तो फिक्स है, कमल के बटन को ही दबाएंगे। ग्लैमर चुनाव जीतने की गारंटी नहीं है। अगर ग्लैमर से कोई चुनाव जीतता तो आज हर हीरोइन सांसद होती, हर हीरो विधायक बना घूम रहा होता। जनता वोट अपने मुद्दों पर करती है। आम्रपाली दुबे को पिछली बार भी निरहुआ का चुनाव मलाई मक्खन लग रहा था, लेकिन निरहुआ अखिलेश के सामने बुरी तरीके से हार गए थे। इस बार भी आम्रपाली दुबे को निरहुआ की जीत का भरोसा है। जनता जिसको जिताएगी वो चुनाव जीतेगा ही, लेकिन फिल्मी कलाकारों के वोट मांगने से जनता वोट दे देगी तो आज के दौर में ऐसा संभव होता दिखाई नहीं देता है। कल्लू जी वाला गाना गाती हूं, सीधे कमल का बटन दबाना है, निरहुआ जी को जिताना है, सीधे कमल का बटन दबाना है। ये दो लाइन में ही मेरी सारी बातें मैंने लोगों को बोल दी है कि प्लीज सीधे जाइए 23 तारीख को। ठीक है, थोड़ी दोपहर होगी, गर्मी लगेगी, पर फिर भी आपको अपने आजमगढ़ के उज्जवल भविष्य के लिए निकलना चाहिए, वोट देना चाहिए और सही कैंडिडेट को वोट करना चाहिए, तो सीधे कमल का बटन दबाना है और निरहुआ जी को जिताना है। धन्यवाद दोस्तों। आजमगढ़ में एक बात तो साफ है, जो निरहुआ को भी मालूम है कि आजमगढ़ में कोई कट्टरपंथी नेता नहीं चलेगा। जीतेगा वही जो हिंदू मुसलमान दोनों की बात करता हो, दोनों को अपना मानता हो। आगे के वीडियो में बताएंगे कि कैसे इसी रणनीति के तहत निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव की तारीफ की है। दोस्तों वीडियो को अपनों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी आपके पक्ष की बात बताने वाले चैनल के बारे में बताइए। गोदी मीडिया से होशियार रहिए, क्योंकि गोदी मीडिया का एक ही लक्ष्य है, हर हाल में अपने मालिक को हीरो बनाना, उसकी आह को भी वाह बताना। नमस्कार।